देखो यार, बॉलीवुड की ना एक बहुत ही ज्यादा गंदी आदत है, मतलब जहाँ पैसा पानी की तरह बहा देते हैं वहाँ ये फिल्में बिल्कुल रायता फैला देते हैं। अब चाहे ब्रह्मास्त्र का एग्जाम्पल ले लो, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ले लो, या फिर प्रभास भैया की आदि पुरुष ले लो, मतलब सारी मूवी एकदम कचरा है ये। लेकिन यार मुझे ना ये लगता है कि जब आप अच्छी फिल्म बनाना चाहते हो ना तो उसका बजट कम भी हो तो भी चल जाता है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में बात करने वाली हूँ मैं आपसे, जिनमें कम पैसा लगाया गया लेकिन आपके मुंह से वाव निकलता है उन्हें देखकर। आपको लगता है कि यही है असली सिनेमा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भैया सबसे पहली मूवी जो मेरे लिए है ना, वो 2023 की जिसने एंडिंग एकदम खूबसूरत कराई है, वो है 12th फेल। मतलब मैं चाहती तो किसी और मूवी को भी पहले नंबर पर रख सकती थी, लेकिन इस मूवी ने ना मुझे थिएटर पे रोने पर मजबूर कर दिया था। कुछ नहीं होता इनके पास, गरीब होता है इनका पास। ये वो मूवी थी जिसे देखकर मुझे लगा था कि ये है असली सिनेमा। IPS बन गया ना, तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। ऐसी फिल्मों का प्रमोशन बहुत कम होता है। ये फिल्म ना लोगों के वर्ड ऑफ माउथ पर चलती है। एक बच्चे की कहानी जो गाँव में नकल करके पास होता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की वजह से उसे मोटिवेशन मिलता है IPS ऑफिसर बनने का, और वो मोटिव पूरा करके ही दम लेता है। इस बीच हर पहाड़ जैसी मुसीबत उसके लिए छोटी होती है। मतलब इस मूवी को आप रियल मोटिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये सचमुच में रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। विक्रांत मैसी की ना सबसे लाइफ टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं किसी मूवी में कहूंगी ना तो वो ये मूवी होगी। और विधु विनोद चोपड़ा जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो तो जाने ही जाते हैं फिल्मों में इमोशन भरने के लिए, और इस मूवी में ये काम उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। तो मेरे लिए ये मूवी सबसे पहले नंबर पर आती है। ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IPS बने। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो भैया सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले इस मूवी को जाकर देखो, दिल जीत लेगी आपका। अब जो दूसरे नंबर पर मूवी आती है, यार ये मूवी ना मैं अपने पापा को दिखाना चाहती हूँ। रुको रुको, एनिमल मत सोचो। ये मूवी है पंकज त्रिपाठी की खड़क सिंह, और पेरेंटिंग किस तरीके से की जाती है इस मूवी ने वो बेस्ट एग्जांपल दिया है। मेरी बेटी हो या नहीं हो, पर जिसकी भी बेटी हो बहुत अच्छी। इसमें पंकज त्रिपाठी ना एक खड़ूस पापा बने हैं, जिसे देख कर लग रहा है कि भाई अपने बच्चों पर बहुत अत्याचार करता है, बच्चों को बेल्ट से भी पीटता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पंकज त्रिपाठी की याददाश्त चली जाती है, और फिर वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाता। फिर उसकी बेटी उसे अपनी ही कहानी सुनाती है कि आखिर उसकी हालत ये कैसे हुई है। भाई लास्ट तक जब आप इस मूवी में पहुंचोगे ना तो आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। आप इस मूवी को देखिए, Zee5 पर है। अगर पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है पेरेंटिंग वाली मूवीज का कि इस तरीके से की जाती है पेरेंटिंग। मेरी कोई बेटी नहीं है, आपको फिलहाल याद नहीं है। भाई अगर आपने दिल्ली क्राइम्स देखी है और पाताल लोक देखी है और इनके मेन लीड कैरेक्टर्स का आपको काम बहुत पसंद है तो ये वो मूवी है जिसमें आप इन दोनों को साथ में देख सकते हो। 3 of Us। यार ये मूवी का मैं अपने चैनल पर रिव्यू नहीं कर पाई थी किसी रीजंस की वजह से, लेकिन ये जब मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा कि यार कुछ बढ़िया मिस कर दिया है, मैंने रिग्रेट किया है सीरियसली। तुम कभी मेरे साथ इतना खुश हुई हो? अपने बचपन के घर आई हूँ, खुश तो होंगी। शेफाली शाह और जयदीप अहलावत की कहानी है। इसमें शेफाली को डिमेंशिया होता है, ये वो बीमारी होती है। इस बीमारी में लोग ना अपनी पुरानी यादें धीरे धीरे भूल जाते हैं। जब शेफाली को ये पता चलता है तो वही ये डिसाइड करती है कि अपने होम टाउन जाएंगी, जहाँ पर ही 28 साल पहले इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वहाँ जाकर वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड यानी कि जयदीप अहलावत से मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि डिमेंशिया के ऊपर ये मूवी है, नहीं, इस मूवी में दिखाया गया है कि रिश्ते किस तरीके से उलझ जाते हैं। ये मूवी अगर आपने मिस कर रखी है ना तो देख लो यार, शेफाली शाह को इस मूवी के लिए अवार्ड भी मिला है। आप जरूर बताना मुझे कमेंट्स करके कि आपको ये मूवी कैसी लगी है, जब देख लो तब बताना। आखिरी बार साथ में कब दुखी थे दीपांकर? शायद बहुत बार। अब लास्ट में मैं बात करने वाली हूँ नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ की फिल्म मस्ती में रहने दो का। आपने अभी खाली थी ना? मतलब अगर ये दोनों इस फिल्म में काम नहीं करते ना तो मैं सोच ही नहीं सकती कि भाई इनकी जगह पर कोई और ये रोल प्ले कर सकता है। मेरे हिसाब से जैकी दादा की ना सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस है। मतलब टाइगर यार अपने पापा से कुछ सीखो, जैसे वो पहले सीन में मतलब अपनी आंखों ही आंखों से सारी बातें कह देते ना, अगर उसका 10% भी आप सीख लोगे ना तो आपकी मूवी देखने के लिए मैं थिएटर चली जाऊंगी। खैर छोड़ो, कहानी पर बात करती हूँ कि आखिर इस मूवी की कहानी क्या थी। जो जिंदगी हमें जीती है
चल रहा है। तो देखो यार, मूवी में जैकी दादा ने 75 साल के एक बुजुर्ग का किरदार निभाया है जो बिल्कुल अकेला रहता है। नीना गुप्ता भी ओल्ड एज में है, उनका बेटा है और बहू है, कनाडा में रहते हैं। मूवी की कहानी है कि जैकी दादा यानी कि विधुर अकेले रहते हैं। एक दिन उनके घर में चोरी हो जाती है, तो पुलिस उसे कहती है कि भाई लोगों से गुला मिला करो, बातचीत करा करो। इसी बीच नीना से उसकी दोस्ती हो जाती है जो कि उसी की तरह अकेले है लेकिन बिंदास है। इसी बीच उन्हें नहीं देखना चाहिए, मान लेंगे, पता ही नहीं था ये सब। एक कहानी तो ये चलती है और दूसरी साइड उस चोर की कहानी चलती है जो जैकी दादा के घर चोरी करता है। तो भाई ये दो अलग अलग कहानियां चलती हैं। यार मूवी थोड़ी सी स्लो है, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि भाई बोर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट तक जब आप आओगे ना, आप बोलोगे कि नहीं यार मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे मजा आया देखकर। अरे दो लोग जो अलग अलग रहते हैं और उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, वो सारी चीजें पूरी मूवी में दिखाई गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये वो सारी मूवीज थी जिनमें पैसा कम लगाया गया है लेकिन कहानी अच्छी है, कंटेंट सॉलिड है। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, आपने बहुत कुछ बढ़िया मिस कर रखा है। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फिल्मी चार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए।